दोस्तों आप अपने लैपटॉप पर कौन सा ब्राउजर यूज करते हो? इवन बहुत सारे लोग जो है गूगल क्रोम यूज करते होंगे, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको एक बताऊंगा कि गूगल क्रोम की एक खास ट्रिक जिसका जो है यूज करके आप दूसरों को भी चौंका सकते हो, वो कौन सी ट्रिक है, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम के प्रजापति और आप देख रहे हो राम जी टेक्निकल। चलिए बताते हैं कि कौन सी एक सुपर सी ट्रिक है जिसको दोस्तों आप यूज कर सकते हो यदि आप अपने लैपटॉप पर और कंप्यूटर पर जो है क्रोम ब्राउजर का यूज करते हो तो, क्योंकि ये क्रोम की टिप्स है। जी हाँ, तो इसके लिए दोस्तों क्या है कि मान लीजिए कि जैसे हम यहाँ पर आर्ट और टैब करते हैं तो यहाँ पर होता है क्या है कि जो भी हमारे टास्क बार पर जो विंडो खुली होती है वहाँ पर जो है इस तरह से खुला रहेगा। देखिए तो यहाँ पर तीन विंडो खुली हुई है और यहाँ पर एक पर नोटपैड है और एक पर जो है वंडर शेयर वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है और एक पर है गूगल क्रोम। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर है गूगल लिखा हुआ है, गूगल क्रोम लिखा हुआ है। तो दोस्तों क्या आप चाहते हैं कि यहाँ पर आपका नाम लिख कर आए या फिर कोई खास नाम जो आप चाहते हैं यहाँ पर लिख कर आए, तो वो आप गूगल क्रोम की सेटिंग से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं चलिए जानते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा, यहाँ पर जो दो रीडिंग लिस्ट लिखी हुई है इसके साइड में एक थ्री डॉट की सेटिंग मिलती है, आपको सबको पता ही होगा। आपको क्या करना है कि यहाँ पर सबसे नीचे आना, स्क्रॉल करके मोर ऑप्शन है उस पर आप जो आप क्लिक करके आकर यहाँ पर नेम विंडो पर क्लिक करेंगे तो इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बोलेगा नेम दिस विंडो। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आप गर्लफ्रेंड हैं तो बॉयफ्रेंड का नाम, या फिर बॉयफ्रेंड है तो गर्लफ्रेंड का नाम, या फिर खुद का नाम, मम्मी पापा का नाम, कंप्यूटर का नाम और फेवरेट एनिमल का नाम, कुछ भी लिख सकते हैं। वो फिलहाल मैं अपने चैनल का नाम लिखता हूँ यहाँ पे, राम जी टेक्निकल, ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ राम जी टेक्निकल और यहाँ हमने लिख दिया है और बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ओके कर दिया। अब आप जैसे ही आल्ट एंड टैब प्रेस करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो है जो गूगल क्रोम लिख रहा था और गूगल क्रोम के बगल में गूगल भी लिख रहा था, यहाँ पर जो है राम जी टेक्निकल लिख कर आ रहा है। मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ। यहाँ पर जैसे आप यहाँ पर कर्जर लाओगे टास्क बार पर तो यहाँ भी आपको राम जी टेक्निकल दिखने को मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि आप अपने विंडो का नाम है गूगल का वो चेंज कर सकते हो, यानी कि आपका जो क्रोम ब्राउजर है उसको आप चेंज कर सकते हो। अब बताती है कि एक बार सेट कर दिया तो दूसरी बार कैसे करेंगे, यानी कि दूसरी बार जो है आप कैसे ये नाम जो है फिर से हटा पाएंगे या फिर लिख पाएंगे। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आप यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ पर राइट क्लिक आप जो है इस पर ये जो भी टाइटल बार है इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर नेम विंडो आ रहा है, सीधे आप ये शॉर्टकट है इस पर क्लिक करोगे तो ये सब कुछ आ जाएगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हो कि आप जो है यहाँ पर दूसरा कोई नाम लिख सकते हो, जैसे कि मेरा नाम है राम के प्रजापति तो मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ, ठीक है, राम के प्रजापति यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब ये ओके करूँगा तो जैसे ही मैं देखूँगा तो नेक्स्ट टाइम जो है राम के प्रजापति यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो मैं इसको फिर से ओपन करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नाम है उसको मैं हटा देना चाहता हूँ, मतलब तो मैंने इसको कट कर दिया, यहाँ पर ओके कर दिया। तो अब हम इसको बंद भी कर सकते हैं और ओपन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर जो नाम है वो हट चुका है, गूगल क्रोम आ गया है। तो दोस्तों आप बताइए ये कितनी कमाल की ट्रिक्स है ना, कि आप जो है अपने गूगल क्रोम के विंडो पर जो है उस पर आप जो है नेम लिख सकते हो। अगर आपने जो है मल्टीपल गूगल क्रोम का विंडो ओपन किया है तो गूगल क्रोम की इस टिप्स का मजा ले सकते हो और हर एक विंडो पर जो है कोई भी एक पर्टिकुलर नाम लिख सकते हो। दोस्तों ये टिप्स और ट्रिक्स आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइए।